हेलो एवरी वन दिस इज शिवराज कुर्चर एंड आई विल टेक सम मिशन एंड प्रॉब्लम बेस्ट ऑन दउड एंड डिफ्रेंशियल इक्वेश्स ठीक है जो भी मैथड्स हमने लर्न किए विल अप्लाई दोज ओके सो लेट स्ट्राई दिस क्वेश्चन वाई डी एक्स और डी वाई माइनस एक्स इक्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो अगर इसमें देखा जाए तो एक तरीका तो यही है कि इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में ले जाएं ठीक है सो अगर वैसे किया जाए तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए वाई डी एक्स माइनस या प्लस कर देते हैं माइनस एक्स माइनस वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्व टू जीरो ठीक है ना वी इफ वी सी वी कंपेयर दिस विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो और अगर इसमें देखा जाए कि इज दिस इज इट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नोट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए द क्राइटेरिया है अब यहाँ पे देखो एम की जगह क्या है एम इज नथिंग बट वाई और एन की जगह क्या है माइनस एक्स माइनस वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है सो अब डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा माइनस वाई माइनस वन माइनस uh, वाई ऐसे रहेगा बिकॉज वाई विल बी कॉन्स्टेंट वैंड विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर का होगा वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा टू एक्स एजवेल क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वेव टू वी टू डिफरेंशिएट देट एजवेल राइट और अगर डेल एम और डेल वाई करेंगे तो ये तो वन है बिकॉज एम इज वाई अब देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो देट दीज आर नॉट इक्वल सो नॉट एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो ये है नहीं अब क्या किया जा सकता है वट वी कैन डू इज दिस या अगर इसमें से ये माइनस करें अगर uh, इसमें से ये माइनस करें तो ये तो ऐड हो जाएंगे टू प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अगर उसको एम या एन से डिवाइड करेंगे तो कुछ फायदा है क्या भैया इफ वी डिवाइड दिस बाय वाई और एक्स प्लस वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उससे कुछ फॉर्म बन नहीं रही ठीक है सो तो इसमें क्या करेंगे हम ये एक्स एयर वाई का प्राइमर फेस डुक लाइक देट तो इसमें देखो एक चीज़ है कि जब भी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई देखा जाए देखा जाए तो वी शुड थिंक अगर माइनस है तो ये वाला इंटीग्रेशन सोचना चाहिए ये वाला डिफेंशिएशन या एक्स वाई वाई ये क्योंकि जो होगा न्यूमरेटर में यही बनेगा इसका डिफेंशिएशन करेंगे तो ठीक है सो so वे एग्जैक्ट तो है नहीं तो इसमें कुछ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बट वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे रियलाइज करना है दैट इज द क्वेश्चन ठीक है तो देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दी टू क्या हमें रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीवाई राइट तो इसको देखो d इसको x बाई वाई अगर किया जाए ठीक है तो ये चीज़ बनेगी क्योंकि d डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई वाई क्या होगा d x बाई वाई इज नथिंग बट y स्क्वायर को ऐसे छोड़ा जाए x का dx होगा माइनस वाई एक्स को छोड़ा जाए ये हो जाएगा अब देखो अगर इसको ये सब लाने के लिए हमें वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा राइट ठीक है सो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको तो इधर भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा सो so ये हो गया हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डी वाई राइट अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाई वाई अब तो ये आसान लग रहा है ठीक है अब इसमें देखो x बाई वाई कोई बी पुट टी अगर इसको t पुट किया जाए सो दिस विल बी डी टी दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस वन डी वाई और वी कैन से दैट डी टी रूट वन प्लस टी स्क्वायर डी वाई दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है सो so, अब ये है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक थीटा होगा डी थीटा एंड दिस विल वन प्लस साइन एच स्क्वायर थीटा ये तो वाई प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन से अब देखो यहाँ से भी कैन से कि वन प्लस साइन एच स्क्वायर थीटा नथिंग बट कोस स्क्वायर थीटा तो देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट डी थीटा ओनली और जिसका इंटीग्रेशन थीटा होगा इक्वल्स टू वाई प्लस सी और थीटा क्या है

this thing can be replaced by this as well where t is nothing but x by y okay i hope it clear hai let us see next question generally ye sab miscellaneous types se rahenge means in mein hame kuch इंस्पेक्शन से दिखेंगे कुछ factor. ठीक जैसे अगर ये दिखा सा है तो ये अच्छा इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि x square plus y square का कुछ तो मैटर रहेगा जो जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे एक तरीका तो यही है इस टाइप अगर एक्स वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिखेगा तो हमेशा एक्स बाई वाई और वाई बाई तो एक्स के बारे में सोचना है ठीक है और एक तरीका यह भी है कि देखो इसमें यह सब भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दिख रहा है तो एक्स इसको पोलर फॉर्म में ले जाओ एक्स को आर रख दो वाई को आर साइन थीटा रख दो तो इससे भी ये हो जाएगा ठीक है दिस यू ट्राई दिस मेथड यू ट्राई ठीक है अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख के वी कैन यूज देट ठीक है पर अब देखो अगेन वही चीज़ है यहाँ पे भी अब देखो इसमें एक तरीका है कि इसमें एक्स डी वाई है या तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें या वाई स्क्वायर से डिवाइड करें पर उस उसमें फिर इश्यू ये होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्लब नहीं कर पाएंगे यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्जेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है देखो पहली चीज़ को चलो ऐसे ही रख दिया जाए माइनस वाई डी एक्स और इसको भी कैन राइट डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू ऐसा लिख सकते हैं इसको और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ ओके सो हाँ अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक वेरिएबल एज्यूम uh, कर लिया जाए कुछ uh, आ, इसको कुछ पुट कर दिया जाए से टी तो ये चीज़ इसमें क्लब हो जाएगी इसका इश्यू रहेगा अब इसको क्योंकि एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं पर देन वी हैव टू डिवाइड है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वो क्लब नहीं हो पाएगा कहीं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ ही खेलना होगा मीन्स ऐसे ही कुछ फैक्टर से डिवाइड करें ताकि जो इसमें इसके काम आए वो तो इसमें रहे बाकी इसके साथ क्लब हो जाए तो देट्स वाई वाट वी विल डू विल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ये भी समझ में आया कि इससे क्यों डिवाइड किया ठीक है अब देखो ऊपर वाले इसमें देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई एक्स का फैक्टर बन जाएगा ये अगर एक्स स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया नीचे वाले को भी करेंगे तो ये वाई वन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके और इसको ऐसे कर दिए सर और इसमें भी देखो ये क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर रूट अब तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अब तो ये हो गया इसमें देखो ये क्या है अगर वाई बाई एक्स को टी समझ लिया जाए तो दिस इज नथिंग बट डी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्पायर डी टी वन डिवाइड बाई डी टी डि वन प्लस टी स्पाय इसका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दिस इज टेन यूनिवर्सिटी सो ऊपर तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए ऐसे तो नहीं कर सकते हैं इसका अभी तो इसको रे करना पड़ेगा ठीक है तो so, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई एक्स वन प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर और इसको इस साइड ले जाओ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये जो भी है मैटर दिस विल बी इसको वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल्फाइर माइनस माइनस वाई स्क्वायर राइट अब ये जाए इधर तो ये हो गया वन डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और दिस इज डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट या बस अब इसको सोल्व कर लिया जाए ओके अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों साइड से तो ये तो हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स बिकॉज वाई बाई वाई एक्स एक नया वेरिएबल एज्यूम करके वी कैन से डी टी और वन प्लस टी स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर को कुछ एज्यूम कर लिया ले जाए लेट से यू तो ये क्या हो जाएगा अच्छा ये यहाँ से देखो वन बाई टू तो बाहर आ गया ये रूट नीचे आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, वाई प्लस, वाई प्लस वाई से यू बोल दिया जाए एल्फ स्क्वायर माइनस यू डी यू ऐसा भी कैंस है अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसमें यू को टी स्क्वायर फुट कर दो जेड स्क्वायर कर दो तो ये एक आएगा डी यू टू टू डी यूस दिस इज वन बाई टू डी यू की जगह टू जेड डी जेड यू की जगह जेड हो जाएगा यू को जेड स्क्वायर करेंगे तो रूट यू इज जेड रूट एल्फा स्क्वायर माइनस यू इट इज जेड स्क्वायर अब ये जेड से हो गया जेड कैंसिल टू से हो गया टू कैंसिल सो दिस इज डी जेड और रूट ऑफ एल्फाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स जेड बाई एल्फा भाई ये तो साइन इनवर्स जेड बाई एल्फा ही हो गया जेड को अगर एल्फा साइन थीटा पुट करेंगे तो एल्फा कोस थीटा डी थीट्टा एंड एल्फा कोस सो या सो दिस इज द आंसर प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल दो सो दिस विल बी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इक्व साइन इनवर्स जेड किस एज्यूम किया था रूट यू और रूट यू क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दन डिवाइड बाई एल्फा या कर दो प्लस सी दिस विल विसर ओके सो आई होप समझ में आता है और लेटेस्ट ड्राई दिस ओके okay. तो अब एक तरीका तो वही है कि एम डी एक्स एन डी वाई से देखेंगे एग्जैक्ट है, तो, है? है या नहीं तो ठीक है आई थिंक एग्जैक्ट होगी नहीं ये ये देख सकते हैं ये एम है ये एम है और ये एन है तो डेल एम और डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई ठीक है और डेल एन और डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ठीक है अगर इसको थोड़ा एक्सपांड किया जाए तो यह आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई अब देखो ये दिस इज एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई या दिस इज एग्जैक्ट सो इसमें तो आसान हो गया सो इसमें क्या आएंगे डेल एफ एक्स टू सी बी दोल्यूशन ऑफ दिसन दिसम वाला पार्ट देट इज एल्फा क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे सो एल्फा क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई ओके अब अब इसको वही डेल एफ फोर डेल वाई अगर किया जाए सो देट विल बी माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई एक्स स्क्वायर प्लस डी जी ओवर डी वाई दिस इज इक्वल टू डेल एफ और डेल वाई करेंगे दिस पॉ देट इज माइनस एक्स प्लस वाई की पावर थ्री ओके सो अगेन इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई एक्स स्क्वायर है ना सो so, अब देखो इससे गया ये और थ्री वाई एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई स्क्वायर सो वी हैव डी जी ओवर डी इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब और वी कैन से वी कैन से दैट जी इज नथिंग बट माइनस वाई की पावर फोर डिवाइड बाई फोर इसको इंटीग्रेट कर दिया सो so एफ हमारे पास क्या आ जाएगा एल्फा क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई के पावर फोर बाई फोर इक्व कॉन्स्टेंट दिस विल बी द आंसर आई होप समझ में आता है सो देखो ये एग्जैक्ट थी तो इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इवेल्यूएट करने का मेथड जो मैंने डिस्कस किया है उसी से वी कैन डू डूल इफ यू हैव एनी इन दिस यू मे रेफर है लेक्चर्स ठीक है अच्छा एक तरीका इसमें यह भी है कि इंस्पेक्शन से भी वी कैन डील दिस प्रॉब्लम कैसे देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब बन रहा है और इसको देख के हमें फील आ रही कि ये भी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन सकता है प्रोवाइडेड यहाँ पे एक एक्स एक एक क्यूब का टर्म भी हो ठीक है मतलब इसको अगर यहाँ पे मान लो मैं माइनस एक्स क्यूब एड कर दूँ तो प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे एड भी करना पड़ेगा मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे टर्म लिखा जा सकता है अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही बन गया अल्फा क्यूब को वहीं रहने देते हैं प्लस एक्स क्यूब ऐसे रहने देते हैं माइनस कॉमन ले लें अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई का क्यूब हो गया और ये सब है डी एक्स के साथ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर थ्री डी वाई कैसा लिख सकते हैं है कि नहीं ठीक है अब देखो इसको अभी इस टर्म को तो अलग कर सकते हैं बिकॉज एक्स के टर्म से ये सो डी एक्स के साथ दे कैन भी इंटीग्रेटेड और इधर देखो x प्लस वाई का क्यूब दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा डी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई क्यूब यहाँ से भी कॉमन ले लिया यहाँ से तो डी एक्स प्लस डी वाई हो गया विच कैन भी रिटर्न एज डी एक्स प्लस वाई अब तो ये बड़ा आसान मामला हो गया अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ तो ये क्या हो गया दिस इज नथिंग बट एल्फा क्यूब एक्स प्लस एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई फोर और ये हो गया एक्स प्लस वाई तो अगर टी बोले तो टी क्यूब डी टी दैट इज़ एक्स प्लस वाई की पावर फोर डिवाइड बाई फोर प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इवन दिस इज आंसर सो ये बहुत जल्दी हो गया तो अगर ऐसा क्लिक करता है बाई इंस्पेक्शन तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है इसमें अच्छा कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हम इस मेथड से करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे कि इससे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आंसर आना चाहिए ओके और मेथड सही होना चाहिए मेथड सही इन द सेंस कि दिस इज आल्सो करेक्ट बाय इंस्पेक्शन वी आर डूइंग दिस व्हाट वी डिड कि हमने एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल ट्रीट कर लिया देन दिस हैज बिकम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है और ये एग्जैक्ट वाला मेथड है इनफैक्ट दो किसी भी मेथड से करो यू विल गेट द फुल मार्क्स ठीक है अब जिसमें कम टाइम लगे कम स्पेस लगे इट इज गुड कि अगर वैसा कुछ मेथड क्लिक कर रहा है तो वी शुड गो विद दैट ओके

और जैसा बोल रहा है वैसा रफली एक डायग्राम बना दो लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन ऑनिका हो मान लो कोई भी, भी है उसका एक कोई पॉइंट पी है और एक इस पॉइंट पी से जो वाई एक्सिस के पैरेलल दिस इज द एक्सिस तो इसके पैरेलल ये लाइन है मान लो द पॉइंट पी लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन का हो एंड द लाइन पैरेलल टू एक्सिस अच्छा ये है इस पॉइंट को ये लाइन ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से ठीक है ओके लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन ए कव ओरिजन टू ठीक है एनी पॉइंट पी ऑन ए कव एंड द लाइन पेडल टू आई एक्सिस थ्रू पॉइंट पी आर इक्वली इनक्लाइन टू द टेंजेंट टू द कव एट पी अब यहाँ पे जो भी कव है मान लो ये कोई कर्व है ऐसा uh, कुछ मान लो ये कर्व है ऐसा कुछ कर रहा है अब देखो इस पर टेंजेंट ड्रो करेंगे हम इस टाइप से ठीक है तो ये बोला जा रहा है कि इक्वली इन क्लाइंट मीन्स ये जो लाइन ओरिजिन से पी को ज्वाइन कर रही है लेट से पी जो है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन है तो ये ओ पी हो गया और ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है लेट से दिस इज एन सो तो ये दोनों इक्वली इन है ये टेंजेंट टैनजेंट हमारे इसको टी बोल दो ये थीटा है तो ये भी थीटा है ठीक है ओके सो ओ पी और पी टी का जो एंगल है बीच में दैट इज सेम एज पी टी और पी एन का जो एंगल है ठीक है तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इसका होगी ठीक है एंगल्स uh, का फॉर्मूला यूज करेंगे अब देखो स्लोप चाहिए हमें इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी टेंजेंट पी टी एट पॉइंट पी इस डी वाई ओवर डी एक्स

तो इनकी जो स्लोप होगी वो क्या आएगी वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो वही चीज़ है ये सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ ओ पी अब हमें पी एन की भी स्लोप चाहिए पी एन की स्लोप इन द सेंस की ये तो वैसे ही नाइन्टी डिग्री का एंगल है इसका यहाँ पे नाइन्टी है तो स्लोप क्या होती है स्लोप इज़ नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल तो वो तो यहाँ डिफाइन नहीं है तो देखा जाए तो इसकी जो स्लोप है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो स्लोप ओ पी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ठीक है अब बस इसका यूज़ करना है हमें देखो ये इस ये नाइनटी है यस तो टेन थीटा की बात की है टेन थीटा क्या होगा अगर इन दोनों के बीच की बात की जाए इसके और इसके तो ये क्या हो जाएगा मान लो इसकी स्लोप एम वन है ये एम टू है और ये एम थ्री है स्लोप्स तो हमने फाइंड कर ही लिए तो दिस विल बी एम वन माइनस एम टू डिड बाई वन प्लस एम वन एम टू का मोडब्लस मोडबलस इसलिए ले ले रहे हैं क्योंकि जो थीटा एंगल है लाइन्स के अगर ये थीटा है तो ये एंगल नाइन वन एटी माइनस थीठा होगा और दोनों ही लाइन्स के बीच एंगल है तो टेन थीटा है टेन एटी माइनस थीठा

आ, देखो ये टेंजेंट है इसको से साई बोल देते हैं तो देखा जाए तो साई प्लस थीटा जो है वो नाइन्टी है जोमीटर से बोल सकते हैं क्योंकि नाइन्टी में क्या है ना स्लोप इन्फिनिटी है तो एंगल के थ्रू जाया जा सकता है थीटा प्लस साई नाइन्टी हो जाएगा तो यहाँ से वी कैन से कि जो थीटा है दिस इज नथिंग बट नाइन्टी माइनस साई ठीक है थीटा को नाइन्टी माइनस साई लिख सकते हैं थीटा को अगर 90 माइनस साई करेंगे तो दिस इज टेन से नाइन्टी माइनस साई और देट इज कोट साई उसको वन अपॉन टेन साई लिख सकते हैं बट जो टेन साइ है वो क्या है दिस इज नथिंग स्लोप ऑफ द टेन जो कि डी वाई और डी एक्स है एट द पॉइंट एक्स वन को वाई वन तो इसको वी कैन राइट वन अपॉन डी वाई और डी तो हमारे पास देखो ये आ गया अगर इसका लोकस की बात कर दें लोक लोकस मो वाई वन तो एक्स वन एन को एक्स से रिप्लेस करेंगे वाई वन को वाई से तो ये हमारे पास हो गया वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस डी वाई ओ डी एक्स वन प्लस वाई डी वाई एक्स डी एक्स वन डिवाइड बाई डी वाई ओव डी एक्स ये हो गया ठीक है अब देख अब इसको डी वाई और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा वाई एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस डी वाई टी एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस वाई बाई एक्स डी वाई एक्स ठीक है ये मॉडुलस है तो देखो अगर प्लस साइन लिया सा जाए तो क्या होगा देखो ये और ये हो गया कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगी ये वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्व टू ज़ीरो ओके तो ये पॉसिबल तभी है जब ये भी जीरो और ये भी जीरो बट देट इज़ नॉट पॉसिबल इकोज वन कैन नाट भी ज़ीरो ठीक है तो अब माइनस साइन लेंगे सो माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा इसमें देखो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस Uh, ये y बाई एक्स है ये वो भी इधर आएगा टू वाई बाई एक्स डी वाई वो डी एक्स एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो सो दिस विल विशन जो हमें चाहिए ठीक है दिस विल द डिफरेंशियल इक्वेशन इसको एम स्क्वायर माइनस टू वाई एम माइनस एक्स ये भी बोल सकते हैं ओके सो दिस बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स एम स्क्वायर माइनस टू आई एम एक्स एम माइनस टू एक्स या ओके आई हो समझ में आता है ये भी समझ में आया होगा कि इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया क्योंकि कोई भी रियल नंबर दो है उनका स्क्वायर का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब वो इंडिविजुअली जीरो पर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वन के नॉट विज जीरो वैसे भी वन में कोई भी पॉजिटिव एडवोकेट जीरो कैसे जाएगा ठीक है अब देखो द फाइनल क्वेश्चन

स्पेयर तो बेसिकली रेट ऑफ डिजोल जो है इसकी डी वी ओवर डी टी या मास जो है इसका डिजोल हो रहा है तो लेट्स से कि उसको डी एम ओवर डी टी बोल सकते हैं देट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द इस मान लो रेडियस आर है स्पेयर है ये इसकी रेडियस आर है तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर पाई आर स्क्वायर और इसका मास एम है मान लो वॉल्यूम वी है डिजोल्स इन रनिंग वाटर ठीक है तो डिजोल हो रहा है इसका मतलब ये इसको वी कैन राइट कि और डी टी इज समस्टेंट इंटू फोर पाई आर स्क्वायर विद माइनस साइन बिकॉज मास डिजोल हो रहा है ठीक है सो so ये हो गया अच्छा अब देखो मास क्या होता है मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यू सो so, अगर डी एम की बात करें तो रो को वी कैन एज्यूम कॉन्स्टेंट डेंसिटी को और पाए और आर क्यूब का क्या आएगा थ्री आर स्क्वायर डी आर सो डी एम इज नथिंग बट फोर पाए रो आर स्क्वायर डी आर ठीक है सो so, ये हो गया हमारे पास फोर पाई रो आर स्क्वायर डी आर और डी टी इक्वल्स टू तो माइनस के टाइम्स फोर पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ठीक है सो देखो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया सो डी आर और डी टी इज नथिंग बट माइनस के बाय रो है ना या राइट अब ये के बाय रो जो कांस्टेंट है इसको वी कैन गेट बाय द गिवन कंडीशन इफ हाफ दिजोल्व इन टी नो टाइम ठीक है हाफ मीन मीन्स जब मास बाई टू हो जाएगा उसमें टी नो no टाइम लगेगा ठीक है ओके सो वी कैन से डी आर इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय रो डी टी अब जब टी जीरो से टी नोर पे जाता है तब इसका जो मास है इनिशियली रेडियस मान लो आर थी वो फाइनली कितनी हो जाती है जैसे मान लो इनिशियल मास जो होता है इसका एम नोर वो मान लो फोर बाई थ्री वाई आर क्यू इंटू रो ये है तो ये हाफ हो जाएगा जब एम नोर बाई टू हो जाएगा तब रेडियस क्या होगी फोर बाई थ्री रो मान लो आर तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी टू इक्वल्स टू आर क्यू बाई आर क्यू तो यहाँ से वी कैन से दैट आर इज नथिंग बट आर डिवाइड बाई टू की पावर वन बाई थ्री ये रेडियस हो जाएगी सो व्हेन आर से ये आर डिवाइड बाई टू की पावर वन बाई थ्री पे जाएगा राइट तो यहाँ से वी कैन से दैट आर डिड बाई टू की पावर वन बाई थ्री माइनस आर इज इक्स टू माइनस के बाई रोजन अब हमें ये फाइंड करना है जब ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा मीन्स रेडियस जीरो हो जाएगी उसमें कितना टाइम लगेगा दैट इज द क्वेश्चन राइट या इफ हाफ दिजोल्व टीनो टाइम इन वॉट टाइम इट विल ऑल बी ठीक है सो दिस इज इजी अब इसमें देखो uh, क्या पूछ रहा है हमें कि रेडियस आर से जब जीरो हो जाएगी उसमें कितना टाइम लगेगा टी बराबर जीरो से जो टी टाइम है दैट इज माइनस के बाई रो टी और ये इसको देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट माइनस आर सो तो जो टाइम लगेगा हमें लगेगा वो रो आर बाई के ठीक है और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन से लिख देंगे जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास सो तो जो टाइम टेकन दिस विल भी आर तो ऐसे कैसे रहेगा ठीक है और रो बाई के को रो बाई के यहाँ से या भी कैसे इसको लिख सकते हैं आर डिवाइड बाई के बाई रो ठीक है सो आर डिवाइड बाई के बाय रो यहाँ से निकाल सकते हैं दिस विल बी माइनस को माइनस से एडजस्ट करना पड़ेगा इस साइड तो दिस विल बी आर को तो ले लो बाहर आर डिड बाई के वाई ना सो दिस बी आर वन माइनस वन अपॉन्ट टू की पावर वन बाई थ्रीड बाई टीन और सो दिस इज तीन और डिवाइड बाई वन माइनस वन डिवाइड बाई टू की पावर वन बाई थ्री सो दिस बी द आंसर आई होव समझना सो देखो जब भी इस टाइप के इक्वेशन होगा uh, क्वेश्चन होंगे इनफैक्ट जिसमें इस टाइप से कुछ uh, थ्योरी थ्योरटिकल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो जैसा उसमें बोला है उस टाइप से इक्वेशन हम बनाएंगे इट विल बी जनरली इजीली सॉल्व ठीक है बस इसमें ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी तो आंसर आ जाएगा ठीक है इसी टाइप से सिमिलर प्रॉब्लम्स है एमडीआर डी आर में जो मे ट्राई देट जैसे कि डी के मान लो कि डी इस टाइप हो रहा है कि दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास ठीक है एट दैट पर्टिकुलर टाइम सो क्योंकि डी हो रहा है सो माइनस डी एम और डी टी विल बी समेंट इन टू एम तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में एम की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं ओके सो आई ओप समझ में आता है सो जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एट लेंथ आई होम अब आर की जो एक्सरसाइज इनफैक्ट चैप्टर वन एंड टू है वो आप अच्छे से कर सकते हो ये मैंने कवर कर लिया ठीक है नेक्स्ट विल टेक अप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री मीन्स विच कैन बी सोल्ड बाई पी बाई putting p in terms of x or y and putting x in terms of p and y and so on we discuss those in next lecture till then bye bye take care